देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। बटन दबाइए और पाइए मनचाही शक्ल। कभी मिशेल ओबामा बन जाइए तो कभी विल स्मिथ, कभी जॉर्ज डब्ल्यू बुश की शक्ल में नजर आइए तो कभी लियोनार्डो डिकैप्रियो की शक्ल में। बैठ जाइए इस कुर्सी पर आराम से और अपना फेस जो है उसको अलाइन कीजिए। हुई वे हमें हेल्प करेंगी। हुई वे, कैन यू हेल्प मी? तो ये देखिए मेरे फेस का अलाइनमेंट हो चुका है। आई एम इन द सेंटर। 7 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर मेरे पास जिसको मैं अपने फेस पर सुपर इम्पोज कर सकती हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ओबामा की पत्नी। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डीप फेक नाम की इस नई टेक्नोलॉजी की खूब चर्चा है। ये तकनीक का एक एडवांसमेंट है जो यहाँ आकर आपको देखने को मिलता है और इसका इस्तेमाल अभी फिलहाल किसी भी कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये बतौर एक एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर अभी यहाँ पर आप डावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में देख सकते हैं। ये तकनीक देखने में जितनी मजेदार है उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई भी क्लिप बिना वेरीफाइड हुए सेकेंडों में वायरल हो जाती है, और ऐसे में अगर किसी ने सॉफ्टवेयर की मदद से किसी बड़ी शख्सियत की गलत क्लिप बनाकर वायरल कर दी तो तहलका मच सकता है। हालांकि कंपनी का दावा है कि उसने सॉफ्टवेयर का आविष्कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इंसान के प्रतिरूप को तैयार करने के लिए किया है। Our company Pinscreen is not focused on, you know, creating deep fakes. What we actually do is we're building photorealistic avatars that are accessible to people. So on the way on creating that, we developed technologies that actually allows us to use, you know, recent advances in AI to actually generate humans using using, you know, data that is collected for these specific people. And this specific demo is a, as you mentioned, it's basically a collaboration with WEF, where, you know, we're trying to create awareness about, you know, the dangers of these kind of technologies. कंपनी भले ही दावा कर रही हो कि उसका मकसद फेक न्यूज क्रिएट करना नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से फेक न्यूज की फैक्ट्री चल रही है, अगर ये सॉफ्टवेयर किसी शरारती तत्व के हाथ में लग गया तो अफवाह फैलाने में देर नहीं लगेगी। ऐसे में आप भी सावधान रहें। अगर आपके पास कोई क्लिप आती है तो बिना वेरीफाइड किए उस पर विश्वास ना करें और फेक न्यूज को फॉरवर्ड करने से बचें। नेहा बाथम के साथ राहुल कंवर, डावोस,